चुकी है, बहुत ज़्यादा बारिश। नंदिनी पास हो चुकी है, मेरा नहीं पता गाइस, फंस चुकी हूँ जैम में। और ये रहा मार्कशीट, बारिश से यहाँ तो पूरा समुद्र हो चुका है। वहाँ से खरीद लिए कुछ गोलगप्पे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज है मेरी कॉलेज की एग्ज़ाम का रिजल्ट और मुझे जाना है यूनिवर्सिटी और मैं तैयार हो चुकी हूँ। पर देखो गाइस, यहाँ पे हो चुकी है बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट। पता नहीं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आज कॉलेज का लास्ट डे है ग्रेजुएशन का, तो आज तो जाना ही पड़ेगा कॉलेज। ओह माय गॉड, बादल कैसे गरजते हैं देखो गाइस। और भी शायद बारिश होगा, पता नहीं यार आज निकल पाऊँगी या नहीं, पर आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज रिज़ल्ट है और आज कॉलेज का लास्ट डे भी है, सबसे आज ही मिलना होगा लास्ट वाली, क्योंकि सब कोई इसके बाद अलग अलग जगह चले जाएंगे, अपना लाइफ लेके बिजी हो जाएंगे, तो मिलना नहीं हो पाएगा किसी से उतना ज़्यादा। इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी आज के लिए, पर बारिश ने सब कुछ ख़राब कर लिया गाइस। पर अब थोड़ा शायद कम हो चुका है, तो अभी निकलेंगे जस्ट, क्योंकि अभी अगर ना निकले ना तो निकल ही नहीं पाएंगे। एक बार निकल लेते हैं तो यूनिवर्सिटी पहुँच ही जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी जाके आप लोगों से मिलते हैं, तो यूनिवर्सिटी भी आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत, जितना भी दिखा पाऊँगी आज। तो आज देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो गाइस, अभी बारिश थोड़ी कम हो रही है, तो मैं छतरी लेके निकल चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पहले जाना है नंदिनी के घर, फिर वहाँ से मैं और नंदिनी जाएंगे कॉलेज के लिए। तो चलो नंदिनी के घर चलते हैं पहले। तो गाइस, मैं और नंदिनी निकल चुके हैं यूनिवर्सिटी के लिए। आज मेरा भी रिज़ल्ट है, इसका भी है, पर इसका रिज़ल्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है। तो नंदिनी का रिज़ल्ट तो पहले ही उसको पता है, नंदिनी पास हो चुकी है, मेरा नहीं पता गाइस। कॉलेज में जाके फिर पता चलेगा कि मेरे नसीब में क्या है। अच्छा, तो नंदिनी कैसा लग रहा है, पास हो चुकी हो बताओ? अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी बात है। तो चलो देखते हैं कॉलेज में जाके जो भी सीन रहता है आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस, कॉलेज जाते जाते फंस चुकी हूँ जैम में, और यहाँ लग चुकी है टोटो का मेला गाइस। तो पता नहीं यार कब पहुँचूँगी, आज तो सुबह से ही पोपट हो जा रहा है, पहले बारिश और अभी ये जैम। देखते हैं ये जैम कब छूटता है अभी। तो जैम देखो गाइस, पूरा जैम लग चुका है, टोटो का जैम एकदम आगे तक है। पता नहीं यार ये जैम कब खुलेगा और हम कॉलेज कब पहुँचेंगे। तो गाइस, टोटो के जैम के बाद आ गई हूँ यूनिवर्सिटी, और ये रहा मार्कशीट। तो फाइनली मैं पास कर गई गाइस। तो मार्कशीट लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया। आप लोगों को मेरे फ्रेंड से मिलाती हूँ, तो ये है लौता। हाय बोलो लौता। हाय। तो हम दोनों ही पास कर गए, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। तो अब घर चलेंगे, इसको जाना है बहुत दूर। अच्छा, और मैं तो यही जाऊँगी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोनों ही पास हो चुके हैं, मतलब खुशी सी हो रही है यार, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है हमारी यार। तो चलो चलते हैं। रिजल्ट लेने के बाद हम यहाँ सभी बैठे हुए थे और थोड़ी गपशप मार रहे थे, तो इनसे तो आप मिल लिए, इन लोग से मिलाते हैं। तो ये है मोनालिसा, ओके, और ये है अनिमा। तो इसके बाद मैं जाऊँगी बैंक और उसके बाद घर। तो ब्लॉग भी बने रहो गाइस। तो गाइस, ये है हमारा कॉलेज रायगंज यूनिवर्सिटी। तो आपको दिखा देते हैं थोड़ा बहुत सामने से इंटरफेस, ठीक है? सामने नहीं जा सकते, तो वहाँ पे कुछ चल रहा है, तो सामने जाने का अलाउ नहीं है। तो आज था कॉलेज का लास्ट डे, तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। अब से तो शायद सबसे मिलना जुलना नहीं हो पाएगा, तो पहले तो चलो चलते हैं, अभी जो काम है वो निपटाते हैं। तो गाइस, रायगंज के रोड का हालत देखो, बारिश से यहाँ तो पूरा समुद्र हो चुका है, बहुत दूर तक बस समुद्र ही समुद्र है गाइस। ने कभी सोचा था क्या टोटो से भी समुद्र पार किया जा सकता है? नहीं। देख लो पानी का हालत भाई, क्या हालत। तो फाइनली हम पार कर चुके हैं समुद्र, ठीक है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सब लौटा को बाय बोलते हैं,
काम भी फाइनली हो चुका है। तो मैं आई थी यूनियन बैंक, बहुत टाइम लग गया गाइस रिजल्ट लेने में क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। मैं ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर पाई क्योंकि मैं पहले से ही बहुत लेट हो चुकी थी और नंदिनी वो सब जा चुके थे क्योंकि मुझे बैंक में आना था इसलिए। तो अभी घर चलते हैं गाइस, अब और मतलब चला नहीं जा सकता, यहाँ से टोटो लेके सीधा घर जाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और रास्ते में मुझे दिख गया एक गोलगप्पे का स्टॉल, तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिए कुछ गोलगप्पे घर के लिए। तो अब गोलगप्पे खाएंगे, पहले तो फ्रेश हो लेते हैं। तो गाइस फ्रेश हो के घर वाले वस्त्र पहन लिए और यहाँ पे है फुचका, फुचका ये है चटनी, मीठी चटनी, और ये है आलू, आलू का जो मैश रहता है वो, और ये है पानी। तो चलो गाइस पानी पूरी खाते हैं और आप लोग थोड़ा देख लो, फिर ब्लॉग को एडिट कर दूंगी मैं। तो स्नेहा पहले टेस्ट करेगी। कैसा है? तो भी मैं खाती हूँ। वैसे तो जो गोलगप्पे है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब हमारे रायगंज में फेमस गोलगप्पे है ये, मैं लेके आई घर पे आज। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है आज, और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं, क्या कुछ नहीं, सब आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो वीडियो को आज यही पे एंड करते हैं, मिलती हूँ जल्दी किसी नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर से लाइक करो। तो बाय गाइस, टाटा।